इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। टुडे टॉपिक है रैम एंड रोम। रैम एंड रोम क्या होते हैं? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड मीन्स रीड ओनली मेमोरी, जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होते हैं, स्टोर डाटा स्टोर करते हैं। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है जो कंप्यूटर का मेन, कंप्यूटर मेन मेमोरी होते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। मेन मेमोरी के अंदर आपको रैम और रोम आते हैं, और रैम के अंदर आपको एस रैम, डी रैम और इस टाइप का आपका DDR1, DDR2, इस टाइप का DDR2, इस टाइप का आपको टाइप्स ऑफ रैम आते हैं। फिर सेकेंडरी मेमोरी में आपको हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, इस टाइप का आपको सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। कंप्यूटर का मेमोरी क्या बोल, उसका डिफिनेशन क्या है? कंप्यूटर मेमोरी इज ए फिजिकल डिवाइस दैट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्पोरारी। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होते हैं जिससे हम डाटा को परमानेंटली और टेम्पोरारी हम स्टोर कर सकते हैं। जिस टाइप का आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो इस टाइप का आपका मेमोरी होते हैं। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम मेमोरी का। मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपको रैम और रोम आते हैं, रीड एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपको CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इस टाइप का आपको सेकेंडरी मेमोरी भी होते हैं। तो ये बहुत सारा आपका हमारे पास मेमोरी मिलेगा, प्राइमरी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। रैम क्या होते हैं? रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इट टास्क करेंटली परफॉर्म बाई द CPU आर स्टोर इन रैम। रैम हमारा CPU के अंदर ही होते हैं, और जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो डाटा हमारा रैम के अंदर सेव हो जाते हैं। तो रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आप इमेज देख रहे हो जैसे रैम, टाइप्स ऑफ रैम क्या क्या होते हैं, कितना टाइप्स ऑफ रैम होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, जो DDR, इस टाइप का आपका इमेज आप जो मिल रहा है, DDR2, DDR3, DDR4, इस टाइप का आपका रैम। जब आप कंप्यूटर CPU खोलते हो तो इस टाइप का आपको मदरबोर्ड के अंदर इस टाइप का आपको रैम लगा होगा। तो अलग अलग कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको अलग अलग रैम मिलेगा। फिर एस रैम, SD रैम, DDR SD रैम, DRAM, RD रैम, ED रैम, में अलग अलग कंप्यूटर में आपको अलग अलग रैम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। इन दिस मेमोरी वी कैन रीड ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। इस टाइप को रोम को हम क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, उसमें हम राइट नहीं कर सकता। रोम डाटा इज परमानेंटली ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट वाई इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रोम में क्या करते हैं हम, उसको इस टाइप का इमेज जो है आपको रोम को मिलेगा, उसका हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रोम हमारा क्या क्या होते हैं? MROM, PROM, EEPROM, इस टाइप्स ऑफ अलग अलग रोम आपको मिलेगा। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होते हैं, क्या क्या रहते हैं सेकेंडरी मेमोरी में? पहले हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। इस टाइप का आपको हार्ड डिस्क, CD, SSD कार्ड, इस टाइप का आपका आपको सेकेंडरी मेमोरी होते हैं जो हम एक्सटर्नल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Comment, like and share. Okay, thank you.